हाय गाइस, दिस इज जॉय एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में अभी मुझे तो नहीं पता क्या होने वाला है, बट जिस हिसाब से मेरे बाल दिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ से सीधा पैड केयर शॉप पे भेजने वाले हैं ये लोग, और उसके बाद मेरे थोड़े आईज के ऊपर से बाल कटेंगे, बट मैं आपको दिखता रहूँगा, इसलिए बने रहिए इस ब्लॉग में। सो हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। आई होप सभी लोगों का दिन अच्छा जा रहा होगा। अभी परसों मेरा म्यू था कि जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था तब ये शोल्डर उतर गया था, लास्ट व्लॉग में बताया था ना, हल्का सा, और तब से ये आवाज़ थोड़ी सी बढ़ गई है। आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों को? बट कल मैंने बैक डे था मेरा, तो मैंने बैक करके देखा, लेकिन जब मैं ऊपर से नीचे लेकर आ रहा था रॉड को, जब लेट पुल डाउन के वक्त, तो यहाँ से नीचे लाने के बाद मैं एकदम से वापस उतर रहा था, तो मैं डर गया और मैंने फिर वहीं पर मशीन छोड़ दी, और मैंने सोचा कि नहीं, रहने देते हैं फालतू और ज़्यादा बढ़ जाएगा। बट आज थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है। तो कल जब परसों जब लग गई थी तो मैंने ये मंगा लिया था और इससे थोड़ी सी यहाँ पर लगा के मसाज कर ली थी। थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल था, इतना नहीं था। तो अभी शुभांगी ऑफिस गई हुई है, जॉय हमारे साथ में है, तो जॉय को हमें पहले छोड़ना है पेट केयर के पास में, जो जहाँ पर इसके ये वाले बाल थोड़े थोड़े से कट होंगे, क्योंकि बढ़ जाते हैं तो कट करने पड़ते हैं, जिससे इसको अच्छे दिखता रहे। वैसे नीचे का विजन इसका अच्छा रहता है, अगर नीचे से देखता है ना ये, तो पैर पैर क्लियरली देख पाता है, लेकिन इसके थोड़े थोड़े टाइम बाद इसकी आईज़ की ट्रिमिंग करवानी पड़ती है। वहीं से ही आसपास में जो भी जिम होगा मैं वहाँ पर चला जाऊँगा, क्योंकि जो सोसाइटी का जिम है वो थोड़ा सा दूर है, पास में गोल्ड्स भी है, एनी टाइम भी है। तो लेट्स सी, उसके सबसे पास में जो भी जिम होगा उस जिम में जाएंगे, डे पास लेंगे या ट्रायल मिल जाए। चलें जॉय, वहाँ क्या देख रहे हो? सारा पैक कर लिया, प्री वर्कआउट पैक कर लिया मैंने, वहीं पर जाकर ले लूँगा, क्योंकि जॉय को पहले भी पेट केयर के पास में छोड़ना है। मैं जब भी ऐसे बाल बांधता हूँ ना, वर्कआउट करने के लिए जाता हूँ, तो मैं ये कैप लगा लेता हूँ, इससे बाल इधर उधर नहीं भागते हैं मेरे बड़े, और डिस्ट्रैक्शन नहीं होता वर्कआउट के टाइम पे। लेकिन जब भी ये कैप अगर आप लगाते हो तो ध्यान रखा करो कि बाल खोलने के बाद में या फिर ये कैप उतारने के बाद में स्वेट वगैरह होता है, तो आप हेड वॉश जरूर किया करो, क्योंकि जब वर्कआउट करते हो तो इधर स्वेट होता है, हीट जनरेट होती है, और जिस वजह से आपको हेयर फॉल भी फेस करना पड़ सकता है अगर आप ये बहुत टाइम तक केवल कैप लगाए रहते हो, क्योंकि इसको खुली हवा भी चाहिए होती है, आपके बालों को ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो ध्यान रखा करो इस चीज़ का। क्योंकि पहले जब मैंने बड़े बाल किए थे ना, तो मैं ऐसे कैप लगाए रखता था, लेकिन फिर मैंने देखा कि धीरे धीरे करके ना मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो रहा है, तो अभी बालों का एक्स्ट्रा ध्यान रखने के लिए केवल कैप वर्कआउट के टाइम पर, लेकिन फिर बाद में उतार लेता हूँ और हेड वॉश कर लेता हूँ। चलें जॉय, तुम्हारी लीश कहाँ है? जॉय आजा आजा आजा, वेरी गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। अब ऊपर से तुम्हें गोदी में ले लेते हैं, क्योंकि ऊपर सही नहीं है। चलो अंदर आओ, दिखाओ, अभी आते हैं, इधर दिखाओ पहले चेहरा अपना। जॉय कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? जॉय को छोड़ दिया है, यहाँ से जिम 2 किलोमीटर है, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं बाय वॉक चला जाता हूँ, क्योंकि एनीवेज वहाँ जाके मैंने कार्डियो करने का भी सोचा था, तो वॉक करते हुए चले जाऊँगा तो कार्डियो भी हो जाएगा। प्री वर्कआउट बना लेते हैं। ये स्कूटर किसी ने चलाया है? ये वाला मेरे दोस्त के पापा के पास में था बचपन में, मैं लेके चला जाता था उसके स्कूटर, मतलब बचपन नहीं, 11-12 के टाइम पर चलाया मैंने। सो गाइस, एक गुड न्यूज़ है, रेफेक्स का नया फ्लेवर लॉन्च हुआ है, कोला फ्रॉस्ट फ्लेवर, जो कि मसल ब्लेस पे भी लाइव हो चुका है। ये मुझे बेस्ट प्री वर्कआउट लगता है, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है इसकी कि ये बाकी प्री वर्कआउट की तरह से ऊपर एनर्जी ले जाके क्रैश नहीं करता है। इसमें जो सिट्रोलिन है, बीटा-एलेनाइन है, कैफीन है, टॉरिन है, ये इतना अच्छा कॉम्बो है इसका, इसके अंदर कि आपको जो पंप होता है वो थ्रू आउट वर्कआउट बने रहता है, जो आपकी एनर्जी रहती है वो थ्रू आउट वर्कआउट रहती है। ऑल्सो गाइस, मसल ब्लेस की अभी 12th बर्थडे सेल चल रही है, जहाँ पर आपको ये और इसके साथ में सारे सप्लीमेंट्स बहुत अच्छे डिस्काउंट में मिल रहे हैं, काफ़ी फ्रीबीज मिल रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। ऑल्सो अगर आप आनंद 30 कोड का इस्तेमाल करोगे तो आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। शोल्डर में इंजरी की वजह से मेरा फर्स्ट डे पर शोल्डर, मतलब चेस्ट और शोल्डर दोनों वर्कआउट रहे थे। कल बैक अच्छे से कर ही नहीं पाया, स्टार्ट किया जैसे ही, वो भी रह गया, और आज लेग्स है, तो मुझे तीनों वर्कआउट अच्छे से करना। तो आज मैं एक फुल बॉडी करने वाला हूँ, चेस्ट, शोल्डर, बैक, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, लेग्स, सबका कुछ कुछ वर्कआउट करूँगा, और बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से ट्रेन नहीं करने वाला, क्योंकि ध्यान रखना है इंजरी का। लेग्स में आई कैन, बाकी पार्ट्स में नहीं करेंगे। शोल्डर भी कर रहा हूँ ना, देखिए स्पॉट है, यहाँ तक ले जाने में नहीं हो रहा, लेकिन जब ऐसे घुमा रहा हूँ रोटेटर का, तब इतना लग जा रहा है कि हाथ नीचे गिर जा रहा है। स्पॉट पे लगे कि ऐसे घुमाने पर ही वो दर्द हो रहा है, तो मैं वो सारी एक्सरसाइज करने में लगाऊँ जिससे वहाँ पर ना आए। शुभांगी मेरे को ऑफिस से सीधे यहाँ पे लेने आ गई, क्योंकि मैं ऑटो से और पैदल पैदल घूम रहा था ना, तो सीधे इसने बोला मैं पिक कर लूँगी। और बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो क्या लेकर आई हो तुम? मैं चिकन पास्ता लेकर आई। चिकन पास्ता लेकर आई है। हाँ, बस ये लेग्स का कंप्लीट करता हूँ और फिर चल रहे हैं, बाकी तो हो गया। अरे ये देखना, ये देखना, ये नहीं नहीं, फिर पूरा वार्म अप करके अच्छे से वर्कआउट करना। हाँ हाँ, वो फालतू ट्रिगर होगा, पूरा वार्म अप किया मैंने। हाँ भाई, अरे यार फिसल रहे हैं, फिर अब नहीं फिसलेंगे शायद। होती हूँ कि जल्दी ख़त्म हो, जल्दी 6 बजे, लेकिन जैसे ही 6 बजते हैं, जैसे ही मैं ऑफिस से निकलती हूँ, पता नहीं कितना ही एनर्जी आ जाती है। वर्कआउट करना होता है, वर्कआउट करना होता है। मुझे लगता है ऑफिस में कि यार इतना नींद आ रही है, इतनी थक रही हूँ, जाके सो जाऊँगी, नैप लूँगी, लेकिन जैसे ही ऑफिस से निकलते हैं ऐसा लगता है ये अब तक दूसरा दिन स्टार्ट हुआ है मेरा। पर आज शुभांगी का वर्कआउट मिस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग कहाँ जाना है? शादी। यहाँ नहीं, मैं इधर बोल रहा था, कहाँ जाना है? तेरा। अरे इतना कंफ्यूजिंग से लगा, मेरे को लगा एंटर कहाँ से करना है। तभी आज शुभांगी का वर्कआउट मिस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग शादी में जाएंगे सचिन की। आज कॉकटेल पार्टी है। मैं जब ऑफिस से निकल रही थी, हाँ। तो मैं मतलब जल्दी निकली थी, तो सबको पता था कि आज मुझे फंक्शन में जाना है। हाँ। तो ऑफिस में ऐसा होता है सब लोग काम कर रहे थे, लेकिन एक बंदा जो बीच से निकल के जा रहा था, सब उसके लिए एक्साइटेड हो रहे होते हैं। तो सब लोग मुझसे पूछ रहे थे, मेरे ऑफिस में एक आपकी फ़ैन भी है, तो वो मुझसे पूछ रही थी कि आप लोग क्या पहनोगे, क्या कलर है दोनों के आउटफिट का। मैंने कहा मुझे मेरा तो पता है, यस मुझे मेरा आउटफिट ही नहीं पता। आज तो सचिन इतना बढ़िया बंदा है, मैंने उसको बोला कि क्या पहनना है आज, उसने बोला आप टेंशन ही मत लो, आप बस अपना साइज़ बताओ और शादी में आ जाओ कुछ भी पहन के, यहाँ पर आपको कपड़े मिलेंगे। नेक्स्ट लेवल, उसने बोला कपड़े आपको यहीं मिल जाएंगे, मतलब अरेंजिंग या फिर उसमें बनवा रहे हैं आपके लिए। उसके और भी फंक्शंस थे, 21, 22, 23, 24, 25, फिर 26, 27 और 28 को भी है। तो मैं फर्स्ट वाला अटेंड करूँगा, और फिर अटेंड करके आज फिर कल मैं वापस ग्वालियर निकल जाऊँगा, और फिर लास्ट वाला जो मेन रिसेप्शन होगा उसको अटेंड करने के लिए आऊँगा। दिखाता नहीं है ये लोग प्रेस। हाँ वो हो गया, देखो हल्की हल्की सी लाइट जल रही है। कहाँ दिख रही है? मुझे तो नहीं दिख रही। वो दिख रही है। अच्छा ये वाइट। हाँ, लेकिन अभी ग्राउंड जा नहीं रही है, 6 फ्लोर पे चला गया तो क्यों, ऊपर भी कोई होगा ना। हाँ, शुभांगी पास्ता लेकर आई है, अभी नीचे जाके वो खाएंगे। कैमरे की बैटरी देखना, भगवान भरोसे चल रही है, बैटरी खत्म हो गई। गाइस ये वाले जिम आए थे हम, और इसके सामने एनी टाइम थी। मैं इसमें और इसमें कंफ्यूज था, बट इसमें शुभांगी पहले जा चुकी है, तो इसमें फ्री ट्रायल अरेंज हो गया, तो मैंने सोचा कि यार सबसे बेस्ट है बिना पैसों के जिम करना। कैसा लग रहा होगा जो है आपको, इसको देखने की एक्साइटमेंट हो रही है। मैं जब भी इसको छोड़कर आती हूँ ना ग्रूम कराने के लिए, तो मुझे इसको वापस दोबारा देखने के बाद एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि उसका लुक चेंज हो जाता है उसके बालों से। हाँ, उसकी आँखें भी नहीं दिख रही थी ना, बिल्कुल भी नहीं दिख रही थी, अब दिखने लगेंगी। ये देखो यहाँ पर एक ये एरोप्लेन है जिसके अंदर रेस्टो है। ओह ये रहा। हाँ एक सेकेंड पकड़ना, देखने देना इसके। हाँ हाँ हाँ, वाह अब तो पूरी आइस दिख रही है। पॉज भी कर दी भैया। चलो इधर तो। हाय गाइस, सो मेरा नाम जॉय है और मेरे हेयर कट हो चुका है। ये देखो मेरा मुंह, मेरी पूरी आंखें दिख रही हैं, और मैं अब स्मार्ट हो गया हूँ।